मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और बायोलॉजी की इस क्लास में दोस्तों हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। अभी जस्ट पिछली क्लासेस में हमने पोषण पढ़ा, पोषक तत्वों को पढ़ा और एक एक करके देखा दोस्तों उनका क्या क्या काम है, और वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपका कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट करें और हमें अवगत कराएं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि जो जंतुओं की कार्यकी होती है किस तरह जो है उनके शरीर के बारे में, ऊतक, अंग तंत्र, अंग, सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे जो कोशिका से शुरू होके पूरे शरीर पर खत्म होता है। आइए इसको हम क्रम से देखते हैं दोस्तों। शरीर क्रिया विज्ञान देखेंगे, कार्यकी देखेंगे, रोग देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेके ही क्लास अटेंड करते होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ और बिना उसको नोट डाउन किए हुए आप उसको याद नहीं रख पाएंगे दोस्तों। तो मैं बिल्कुल आपसे ये बात सीरियसली कह रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से अपनी क्लास का आउटपुट ले पाएंगे आप। आज जो टॉपिक है दोस्तों क्या है, जंतु शारीरिकी, जंतु शारीरिकी एवं कार्यकी, ठीक है, व्याधियां। तो व्याधियां हम अभी नहीं देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम केवल शारीरिकी एवं कार्यकी को देखेंगे दोस्तों क्रम से, खासकर मानव के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में। तो मानव के संदर्भ में हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह जो है कोशिका से ऊतक, ऊतक से फिर जो है अंग, और अंग तंत्र, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और इस तरह हम सारे अंग तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमें पता है कि अंग तंत्र मिलकर फिर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं, तो हम मानव शरीर के संदर्भ में इनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। आइए हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विभिन्न रासायनिक अणु होते हैं, आपको पता है विभिन्न रासायनिक अणु, विभिन्न रासायनिक जो तत्व होते हैं, तत्व, इनके जो छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु, परमाणु, विभिन्न रासायनिक तत्व के जो परमाणु होते हैं दोस्तों, ये क्या बनाते हैं, जीव पदार्थ के अणु, जीव पदार्थ के क्या बनाते हैं, अणु। जीव पदार्थ के अणुओं का निर्माण जाहिर सी बात है रासायनिक तत्वों के परमाणुओं से ही होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो उनका अस्तित्व होगा। तो जो रासायनिक तत्व हैं इनके परमाणुओं से जीव पदार्थ के अणुओं का निर्माण होता है। अब जीव पदार्थ के अणु जो है क्या बनाते हैं दोस्तों, जीव पदार्थ के जो अणु होंगे ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जीव द्रव्य और कोशिकाएं, कोशिकाएं जिसको हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म एंड सेल्स। मतलब अनेक रासायनिक तत्वों के परमाणु मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, जीव पदार्थ के अणुओं का निर्माण करते हैं। अब ये जीव पदार्थ के अणु मिलके क्या करते हैं, एक ऐसी संरचना बनाते हैं, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, और ये संपूर्ण भाग क्या है, सेल है, इसमें और भी कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो इनका निर्माण किससे होता है, जीव पदार्थ के अणुओं से होता है। अब यहां तक आप समझ गए कोशिकाओं को। अब देखिए, अगर कोई जीव बहुकोशिकी है, क्या है दोस्तों, बहुकोशिकी या मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, देखिए यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी होता है जैसे अमीबा, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है उसके ऊपर की संरचना नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर बहुकोशिकी या मल्टी सेलुलर वो जीव है तो उसमें क्या होगा, ये जो सेल होती है दोस्तों, बहुत सारी एक तरह की कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं या टिश्यू बनाती हैं, क्या बनाती हैं, टिश्यू।
मतलब एक तरह की कम काम करने वाली समान जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलके ऊतक या टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब टिश्यू क्या बनाता है? टिश्यू क्या बनाएगा दोस्तों? टिश्यू बनाएगा अंग। एक तरह के जो टिश्यू होते हैं समान कार्य करने वाले वो क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, जिनको हम ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन कहते हैं। अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अंग तंत्र से क्या बनेगा? पूरा शरीर बनेगा। अंग तंत्र से क्या बनेगा? पूरा शरीर। इस तरह हमने देखा विभिन्न रासायनिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर जीव द्रव्य के अणु बनते हैं, जीव पदार्थ के अणु बनते हैं। ये अणु जो है मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य और कोशिकाएं बनाते हैं। ये आपने देखा यहाँ पर। अब जीव द्रव्य और कोशिकाएं जो होती हैं ये मिलकर क्या करती हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय जीवों में, क्योंकि एक कोशिका से ज्यादा अगर उनके अंदर है तो जाहिर सी बात है ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगे दोस्तों ऊतक या टिश्यू। और एक समान ऊतक मिलके अंग बनाएंगे और अंग जो है मिलके एक पूरा सा अंग तंत्र बनाएंगे। अंग तंत्र के बाद अगली जो अगला स्तर है वो क्या है? शरीर का है। पूरा शरीर निर्मित होता है। तो ये कुल मिला के हमारा वो है, पूरा स्ट्रक्चर है कि किस तरह जो है शरीर बनता है। ठीक है, आइए दोस्तों एक एक करके हम अंग तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों अब हम जो पढ़ेंगे आगे अंग तंत्रों के बारे में। आइए दोस्तों मानव शरीर, अब हम क्या पढ़ेंगे? अंग तंत्र। अंग तंत्र कोशिका हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, अंग तंत्र हमको देखना है। अंग तंत्र में हमको क्या देखना है? अंग तंत्र में जो अंग शामिल हैं उनको भी हम देखेंगे। तो जो संक्षेप में क्या है इनका, ये कौन कौन से हैं उनको हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो अंग तंत्र है वो कौन सा अंग तंत्र है? अध्यावरणी, अध्यावरणी तंत्र, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटीगुमेंट्री, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। क्या कहेंगे? इंटीगुमेंट्री सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, यह है अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र क्या है दोस्तों? अध्यावरणी तंत्र त्वचा और इससे संबंधित रचनाएं। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य का ये शरीर है, ये मनुष्य का एक शरीर है, ठीक है, ये एक मनुष्य का शरीर है। तो ये जो त्वचा, है दोस्तों, जिसको हम स्किन कहते हैं, त्वचा और इससे संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं, त्वचा के नीचे की परत या बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें जो है ग्रंथियां होती हैं स्थित होती हैं, तो ये क्या मिलके बनाती हैं? ये इसी तंत्र को बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? अध्यावरणी तंत्र। इसी तंत्र से पूरा शरीर क्या होता है? कवर रहता है। क्लियर हुआ? इसी से पूरा शरीर कवर रहता है। चलिए अध्यावरणी तंत्र हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों जो दूसरा सिस्टम है, यही हम देखेंगे, यही हम सबको एक एक करके देखेंगे। आइए अंग तंत्र, आइए दूसरा अंग तंत्र देखेंगे। दूसरा वाला अंग तंत्र कौन सा है? पेशीय तंत्र। पेशी तंत्र को क्या कहेंगे? मस्कुलर सिस्टम। क्या कहेंगे? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम या पेशी तंत्र में क्या है दोस्तों? देखिए समस्त पेशियां जो मसल्स होती हैं, आपने देखा होगा जो मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जब आप व्यायामशाला में जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी मांसपेशियों का विकास होने लगता है, वही मसल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये शरीर के गमन में, शरीर के गमन
और गति में सहायता करती हैं, सहायक होती हैं। क्लियर हुआ? पेशी तंत्र का काम क्या है, मसल्स का काम क्या है, शरीर को मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, शरीर के मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मसल्स की, बोन्स की भी जरूरत पड़ती है, मसल्स की पड़ती है। तो मसल्स क्या है, गति में सहायक होता है, शरीर के गमन में सहायक होता है, ये हमारा मसल सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे अगला जो तंत्र है वो इसी के बाद जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, कंकाल तंत्र। क्या है, कंकाल तंत्र। अब आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है आइए इसको मिटा देते हैं, पेशी तंत्र हमने समझ लिया। पेशी तंत्र के बाद जो तीसरा है दोस्तों वो क्या है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम होता है ये, इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ये देख, जैसे ये खोपड़ी हो गई, फिर आप देखते हैं ये इन उपास्थियों को देखते हैं, हाथों की हड्डियों को देखते हैं, ये सब क्या है दोस्तों, ये कंकाल तंत्र का एक भाग है। ये क्या होता है, शरीर का अवलंबन, अवलंबन ढांचा बनाता है, शरीर का अवलंबन ढांचा बनाता है। मतलब इसका ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर है, आप खड़े हैं तो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड है, वो इस स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके शरीर का, अवलंबन ढांचा है। ठीक है, ये क्या करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, अंगों की सुरक्षा करता है। कैसे करता है दोस्तों, आपको पता है कि जो शरीर है, शरीर का दो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एक आपका मस्तिष्क है और दूसरा क्या है, आपका हृदय है। तो आपको पता है कि बहुत ही मजबूत खोपड़ी के भीतर जो है दिमाग स्थित होता है। दिमाग की स्थिति कहाँ है दोस्तों, एक खोपड़ी के अंदर। तो आप समझिए, खोपड़ी सामान्यतः टूटने वाली चीज नहीं है, बहुत ही उस पर जोर पड़ेगा तभी टूटेगी। तो मस्तिष्क जो है कितनी कठोर खोपड़ी के भीतर सुरक्षित रहता है ये आपको पता है। इसी तरह जो है हार्ट जो होता है, हार्ट कहाँ सुरक्षित होता है, फेफड़े में, सॉरी पसलियों में। तो आप देखते होंगे यहाँ जो पसलियाँ हैं इसके भीतर हार्ट सुरक्षित रहता है, हृदय सुरक्षित रहता है, और जो मैंने फेफड़ा बताया, फेफड़ा भी इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण और कोमल अंग है। तो कहने का मतलब स्केलेटल सिस्टम का महत्व किस लिए है, कि ये कोमल अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्लियर हुआ, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। दूसरी चीज क्या करता है स्केलेटल सिस्टम, पेशियों को जुड़ने का स्थान देता है, पेशियों को। इसके पहले जो हमने मस्कुलर सिस्टम देखा, तो पेशियों को जुड़ने का स्थान देता है। तो पेशियों को जुड़ने का स्थान देगा दोस्तों, इससे क्या होगा, मूवमेंट में, गमन में सहायता मिलती है। ठीक है, पेशियां कहाँ जुड़ेंगी, जब स्केलेटल सिस्टम रहेगा तभी तो जुड़ेंगी। क्लियर हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, शरीर को एक अवलंबन देते हैं और मूवमेंट में मदद करते हैं, मस्कुलर सिस्टम और कंकाल तंत्र जो होता है, मतलब पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र या मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। क्लियर हुआ, चलिए आइए और दूसरे तंत्र देखते हैं। आइए दूसरे तंत्र को देखते हैं दोस्तों, अंग तंत्र। जो दूसरा सिस्टम हमारा है महत्वपूर्ण है वो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है दोस्तों, पाचन तंत्र अगर आप यहां देखेंगे, मनुष्य का तो यह मुख से
मुख से शुरू होके यहाँ से तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, यहां मुख है, ठीक है, यहां मुख है, ये ग्रसनी है, ग्रास नली है, और ये आपका आमाशय है, ऐसे करके आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा आहार नाल है, ठीक है। तो पाचन तंत्र में ये सारे अंग सम्मिलित हैं दोस्तों, मुख से लेके गुदा तक, मुख से लेके गुदा तक आहार नाल के सारे अंग सम्मिलित हैं, जो कि पाचन तंत्र को क्या करते हैं, मजबूत बनाते, पाचन तंत्र को क्या करते हैं, दिखाते हैं, मतलब कहां से, यहां मुख से लेके गुदा तक, यहां से जो है मल निकल जाता है बाहर। तो कुल मिला के दोस्तों ये है हमारा पाचन तंत्र। अब इसमें बहुत सारे अंग शामिल हैं, जैसे मुख है, मुख गुहा है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी है, जिह्वा है, आपने देखा होगा जीभ जो है, जिह्वा, ठीक है, जिह्वा है, दांत, दांत भी पाचन तंत्र का ही एक अंग है दोस्तों, लार है, लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, आंत है, यहां तक कि कई ऐसे भी अंग हैं दोस्तों, जैसे अग्न्याशय, अग्न्याशय है, पित्ताशय है, ये सारे अंग भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पाचन तंत्र में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलता है, पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, ये भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र है जिसमें ये सारे अंग शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने पाचन तंत्र को भी देख लिया दोस्तों, ठीक है। अब पाचन तंत्र के बाद हमको क्या जानना है, पाचन तंत्र के बाद हमको क्या समझना है, अगला जो तंत्र है दोस्तों वो है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में दोस्तों हृदय आता है, ठीक है, हार्ट आता है, ठीक है, हृदय आएगा, रक्त वाहिनियां आएंगी या रुधिर वाहिनियां आएंगी, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां आएंगी, और क्या आएगा, लसीका वाहिनियां, लसीका वाहिनियां। दोस्तों रुधिर की भांति लसीका भी जो है क्या है, लिक्विड पदार्थ है जो शरीर में बहुत सारे पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें हार्ट, रुधिर, रुधिर वाहिनियां, ये सारी चीज क्या करती हैं, परिवहन का पूरे शरीर में काम करती हैं। ये है हमारा परिसंचरण तंत्र, क्लियर हुआ, ये है हमारा परिसंचरण तंत्र। चलिए, परिसंचरण तंत्र भी हमने देख लिया, अगला जो तंत्र हम दोस्तों देखेंगे वो क्या है, अगला तंत्र कौन सा है, अगला तंत्र है परिसंचरण तंत्र के बाद श्वसन तंत्र, जो छठवां तंत्र है वो क्या है, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। चलिए, श्वसन तंत्र में क्या होता है दोस्तों, हमको पता है कि हम नाक से जो है, नाक से हम श्वास ग्रहण करते हैं, और ये जो है ये फुफ्फुस नलिका द्वारा फेफड़ों में जाती है, और इसके बाद जो है वहां से रक्त केशिकाएं जो फेफड़े पे फैली होती हैं, फुफ्फुस पे फैली होती हैं, वो उस वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और कोशिकाओं में लेके जाती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को संयुक्त करके
हर कोशिका के जगह लेके जाता है, वहां पर आपको पता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और वहां से क्या होता है दोस्तों, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन रक्त जो है अपने साथ संयुक्त करके लेके आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो फेफड़े के माध्यम से और फिर फुफ्फुस नलिका और नाक के माध्यम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है गैसों का परिवहन होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये क्या होता है, अंतः श्वसन द्वारा हम क्या करते हैं, अंतः श्वसन द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उच्च श्वसन या जो सांस हम छोड़ते हैं हम CO2 को रिलीज करते हैं, क्लियर हुआ। श्वसन तंत्र किस तरह काम करता है आपने देखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, श्वसन तंत्र के बाद हमको जो देखना है, श्वसन तंत्र के बाद अब हमको जो आगे देखना है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र। सातवां क्या है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र, या इसको हम कह सकते हैं मूत्री तंत्र भी कह सकते हैं, या मूत्री तंत्र, क्लियर हुआ। इसको एक्सक्रेटरी कह सकते हैं या यूरिनरी, एक्सक्रेटरी और यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी या यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, किडनी आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं या गुर्दा कहते हैं, ठीक है, गुर्दा, ठीक है। एक जोड़ी होता है सेम के बीच के आकार का होता है दोस्तों, ठीक है। मूत्र वाहिनियां आती हैं, मूत्र वाहिनियां आती हैं, और क्या आता है, मूत्राशय आता है, क्या आता है, मूत्राशय आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सारे अंग है दोस्तों जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यह तंत्र क्या करता है, रुधिर से नाइट्रोजन को, रुधिर से नाइट्रोजन को या अन्य जो है वर्ज्य पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है, क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और समय समय पर यह मूत्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं। कहां इकट्ठा होते हैं, मूत्राशय में, और समय समय पर मूत्र नलिका द्वारा इनका जो है बाहर निष्कासन कर दिया जाता है या उत्सर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वर्ज्य पदार्थों को क्या करते हैं, रुधिर से इकट्ठा करते हैं और मूत्राशय में इकट्ठा करके ये मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह जो है काम करता है उत्सर्जन तंत्र या मूत्री तंत्र। चलिए, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगले अंग तंत्र के बारे में, ये सारे अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए अगला जो तंत्र हमको देखना है, आठवां जो अंग तंत्र है दोस्तों वो है जनन तंत्र। जनन तंत्र या इसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पुरुष जनन तंत्र और एक होता है स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। एक मेल का होता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम
और एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। पुरुष में वृषण होता है, शुक्रवाहिनियां होती हैं जिससे शुक्र निकलता है, वाहिनियां होती हैं, शुक्राशय होता है, शिश्न होता है। मादा में क्या होता है दोस्तों? अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, अंड होता है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, ये जो है स्त्री जनन के अंग है जो मिलके क्या बनाते हैं, जनन तंत्र बनाते हैं। तो ये दोनों जो है जनन तंत्र का एक भाग है, ठीक है। ये जनन तंत्र का दो भाग है, एक स्त्री जनन तंत्र और एक पुरुष जनन तंत्र। दोनों में अलग अलग अंग जो है मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए ये भी हो गया दोस्तों तंत्रिका तंत्र। जो अगला तंत्र है वो कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, तथा सुग्राही अंग, तथा सुग्राही या जिसे हम संवेदी भी कह सकते हैं, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र तथा सुग्राही अंग, जिनके माध्यम से तंत्रिका तंत्र काम करता है, जिसको हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन्स। ये क्या है, संवेदी अंग मतलब एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी का मतलब होता है सुग्राही या संवेदी, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र या और इनको हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा दोस्तों। एक तो मस्तिष्क आएगा, मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा सुषुम्ना आएगा, सुषुम्ना नाड़ी होती है दोस्तों, सुषुम्ना आएगा और इससे संबंधित जो तंत्रिकाएं हैं वो आएंगे, इससे संबंधित अलग अलग तंत्रिकाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, सुग्राही या संवेदी अंग, इसमें कौन कौन से अंग आएंगे जो इन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। नेत्र, नाशिका मतलब नाक, कर्ण मतलब कान, त्वचा और जिह्वा, जिह्वा ग्रंथि, जिह्वा मतलब जीभ, ये भी जो है ग्रहण करती है, संवेदांगी है, संवेदांग है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वातावरण के उद्दीपन को ग्रहण करके तंत्रिकाओं को हस्तांतरित करते हैं। हस्तांतरित करते हैं किसको, तंत्रिकाओं को। ये अंग ऐसे अंग हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और तंत्रिकाओं को मैसेज प्रसारित करते हैं, फिर वो मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, मस्तिष्क से ये ऑर्डर होता है कि क्या फंक्शन करना है, ठीक है। इस तरह तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की प्रतिक्रियाओं की सूचना को क्या करता है, प्रसारित करता है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। इस तरह दोस्तों जो है नवा हमारा तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, तंत्रिका तंत्र का काम क्या है दोस्तों, शरीर जो भी संवेदी अंग होते हैं ये क्या करते हैं, वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आंख ने कोई चीज देखी तो उसने क्या किया, इस चीज का मैसेज दिमाग को दिया, दिमाग ये बताएगा कि उसको देखना है या नहीं देखना है या वहां से भाग जाना है। जैसे आंख ने सांप देखा, मस्तिष्क तक ये मैसेज पहुंचा तो मस्तिष्क कहेगा वहां से हट जाओ, वहां खतरा है। तो इस तरह फंक्शन होता है तंत्रिका तंत्र का। आगे देखते हैं दोस्तों दसवां है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र या इसको कहेंगे हम इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र में दोस्तों क्या आता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, सबसे पहले आप यही देखिएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं,
इनको क्या कहते हैं? WBC, ठीक है, WBC, व्हाइट ब्लड प्लेट्स। व्हाइट ब्लड प्लेट्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इनका काम क्या होता है दोस्तों? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, ठीक है। एक तो ये आएंगी, दूसरी क्या आएंगी? कुछ लसिका वाले अंग आएंगे या ऊतक आएंगे, कुछ ऊतक आएंगे दोस्तों, वो ऊतक जहां पर ये जो कोशिकाएं हैं या कणिकाएं हैं, ये क्या होती हैं? इनकी मात्रा में वृद्धि होती है या इनका बहुगुणन होता है। जाहिर सी बात है, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहां कहां बनती हैं, ये भी अंग जो है या ऊतक किस में आएंगे? इस जो है प्रतिरक्षा तंत्र में आएंगे। तो एक तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हो गई, दूसरा कौन कौन से ऊतक? जैसे थाइमस ग्रंथि है दोस्तों, थाइमस ग्रंथि है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो जिसको कहते हैं, बोन मैरो में इनका जो है क्या होता है? उत्पादन होता है। और तिल्ली जिसको प्लीहा कहते हैं या स्प्लीन कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद लसिका गांठें, जो लसिका ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, तो लसिका गांठें होती हैं, वहां पर क्या होती हैं, ये इन जगहों पर क्या होती हैं? बहुगुणन करती हैं। मतलब एक तो श्वेत रुधिर कणिकाएं आएंगी प्रतिरक्षा तंत्र में, दूसरा ये जो सिस्टम है, ऊतक है या ये जो अंग है, लसिका वाले अंग है, वो इस अंग तंत्र में शामिल है, ठीक है। तो इस तरह जो है दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी बाहरी पैथोजेंस अटैक करते हैं, जो भी अवांछित रोगाणु अटैक करते हैं, उनसे लड़ता है और शरीर को सुरक्षित रखता है, ठीक है। या बाहर से कोई विष पदार्थ आया तो उसको नष्ट या निष्क्रिय करने का काम करता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। और लास्ट में जो है 11वां क्या है? अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। ये क्या है दोस्तों? अंतःस्रावी तंत्र क्या है, ठीक है, इसमें कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, वो क्या करती हैं? हार्मोन्स का श्रावण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और कुछ अंग आते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है किस में आएगी? अंतःस्रावी तंत्र में आएगी, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। और जैसे पिनियल या अग्न्याशय दोस्तों, अग्न्याशय जो होता है ये भी किस में आती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है। ये अंतःस्रावी भी है, बहिःस्रावी भी है, ये भी यहां पर याद कर लीजिएगा। अग्न्याशय जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी भी ग्रंथि है। तो ये जो सारी ग्रंथियां हैं दोस्तों अंतःस्रावी, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ये क्या होती हैं? अंतःस्रावी तंत्र में शामिल होती हैं। अच्छा, ये इनका काम क्या है, क्यों है ये अंतःस्रावी तंत्र? तो हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है? हार्मोन्स का काम क्या है? अब हार्मोन्स को ये सिक्रेट करेंगी, इसका काम क्या है? शरीर की वृद्धि
शरीर की वृद्धि और भी अनेक रासायनिक क्रियाएं हैं, इनका क्या करते हैं, ये नियमन करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका ये रासायनिक रूप से नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो वृद्धि कमी की वजह से कोई डिस्टरबेंस हो, इन सब चीजों को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स का यही काम है। अगर ज्यादा हार्मोन सिक्रेट होने लगे तो भी समस्या है, कम हार्मोन सिक्रेट होने लगे तो भी समस्या है। जैसे लड़कियों में दाढ़ी मूंछ का आना, तो आप देखते हैं जिसका मतलब मेल हार्मोन्स ज्यादा सिक्रेट हो रहे हैं, या मेल में जो है दाढ़ी मूंछ का आना, तो इसका मतलब कम हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। वृद्धि ग्रंथि, अगर मान लीजिए वृद्धि हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है, तो लंबाई में या शरीर की वृद्धि में रुकावट आ जाएगी। इस तरह हार्मोन्स का ये काम है। इस तरह हमने अंतःस्रावी ग्रंथि को भी समझ लिया। तो अंग तंत्र, आज हमने 11 अंग तंत्र को अच्छे से समझा दोस्तों, उनके मूल कामों को हमने देखा। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आज जो भी आपने पढ़ा ये याद रखिएगा, ये अंग तंत्र महत्वपूर्ण है, इनको आगे चल के हम डिटेल करेंगे, इनको विस्तृत जो है रूप से देखेंगे, जो भी हमारे लिए आवश्यक है, जितना आवश्यक है उसको समझा जाएगा। तो ये पूरा जो है शरीर की कार्यकी हो गई दोस्तों। आगे जो है अगले पीरियड में हम एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे, इसी में से एक अंग तंत्र के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।